तो एपिसोड की शुरुआत में पांडा पूछने लगता है कि आखिर बाकी के दो लोग कहां पर गए, और माकी बताने लगती है कि उन्हें कुछ काम था इसलिए वो वहां पर गए हैं। वो लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है तो तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और पांडा कहने लगता है कि दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल भी यहां पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ गोजो भी बाकी लोगों से लड़ाई कर रहा है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को उस मिशन पर क्यों भेजा, और क्योटो का प्रिंसिपल भी उन्हीं लोगों में से एक है तो मुझे इस बात की चिंता है। माकी कहने लगती है कि इटाडोरी तो पहले ही मर चुका है और मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों से उन्हें कुछ मतलब है, तो उनका प्रिंसिपल कुछ नहीं करेगा। और पांडा कहने लगता है कि यहाँ पर मेरा मतलब बच्चों से है, और माकी कहने लगती है कि माई यहाँ पर आ रही है। पांडा बताता है कि टोडो और माई हमें काफी ज्यादा परेशान करते हैं। दूसरी तरफ टोडो और माई यहाँ पर फुशी गुरु के पास पहुँच जाते हैं। फुशी गुरु माई को अब जेनिन के नाम से बुलाने लगता है, और फुशी गुरु नोबारा को बताता है कि ये माकी की बहन है। लेकिन माई कहने लगती है कि तुम्हें मुझे अपनी बहन से कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो तुम मुझे सिर्फ माई बुलाओ। टोडो इन्हें देखकर ज्यादा कुछ खुश नहीं होता, और माई बताने लगती है कि हम हमारे प्रिंसिपल के साथ यहाँ पर आए हैं। मुझे पता लगा कि तुम्हारा एक टीममेट मारा गया, लेकिन फालतू की बातों को जाने दो, मुझे भी उसे वैसल कहना काफी ज्यादा पसंद आता है, और वैसे भी वो एक तरह का मॉन्स्टर ही था तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। टोडो कहने लगता है कि यहाँ पर इन फालतू की बातों को बंद करो, मैं तो यहाँ सिर्फ इन लोगों को आजमाने के लिए आया हूँ। और अब टोडो उससे अपनी लड़कियों का टाइप पूछने लगता है, और वो उससे मारने की भी धमकी देने लगता है। और टोडो यहाँ पर फालतू की काफी सारी बातें करने लगता है जो कि फुशी गुरु को बिल्कुल समझ नहीं आती। फुशी गुरु कहने लगते है कि मैं अपनी पसंद तुम्हें नहीं बताऊंगा, और नोबारा कहने लगती है कि ये तो वैसे भी एंटी सोशल है। टोडो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगता है कि अब हम दोनों दोस्त हैं तो मेरे सवाल का जवाब दो, क्योंकि मुझे जानना है कि तुम्हारी फैंटेसी आखिर किस टाइप की है, और अगर मुझे तुम्हारा जवाब बोरिंग लगा तो मैं बोरिंग लोगों से नफरत करता हूँ, और इस बार एक्सचेंज इवेंट के अंदर मुझे उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पूरी ताकत से लड़ना होगा। नोबारा कहने लगती है कि क्या ये सांड अपने बराबरी वालों से नहीं लड़ सकता, और फुशी गुरु बताता है कि ये कंपटीशन बड़े लोगों के लिए नहीं है। फुशी गुरु टोडो को जवाब नहीं दे रहा था इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और नोबारा यहाँ पर माई की ट्रैक सूट की तारीफ करने लगती है। फुशी गुरु सोच ही रहा था कि यहाँ पर पंगा लेने का सही समय नहीं है क्योंकि हम दोनों ही अनआर्म्ड हैं। फुशी गुरु को अपनी बहन की बात याद आती है, और वो कहने लगते है कि मुझे सिर्फ इंसान का कैरेक्टर ही पसंद आता है, और नोबारा कहने लगती है कि तुम्हारा जवाब एकदम सही है। टोडो रोने के साथ ही फुशी गुरु पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे वो बोरिंग लग रहा था। वो फुशी गुरु को बाहर फेंक देता है, और यहाँ पर माई उस पर भी अटैक कर देती है। माई कहने लगती है कि टोडो को कोई भी नहीं हरा सकता। नोबारा कहने लगती है मुझे लगा था तुम्हारी बहन तुमसे घटिया होगी, लेकिन वो तुमसे 100 गुना अच्छी है। लेकिन माई यहाँ पर अपनी गन निकाल देती है। दूसरी तरफ टोडो कहने लगते है कि मुझे लगा ही था तुम काफी ज्यादा बोरिंग इंसान हो, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें जज नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे जो जवाब दिया उसने मुझे काफी ज्यादा निराश किया। और फुशी गुरु सोचने लगता है जब टोडो ने काफी सारे राक्षसों को एक ही बार में खत्म कर दिया था, और उसे इस बात का डर था कि टोडो काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसने काफी लोगों को भी हरा रखा है। फुशी गुरु टोडो से पूछने लगता है कि क्या तुम कर्स टेक्निक यूज नहीं करते, और टोडो कहने लगता है सिर्फ फर्स्ट ग्रेड्स के लिए। फुशी गुरु ये जवाब सुनकर डर जाता है, और वहाँ पर कई सारे फ्रॉक्स को सम्मोहन कर देता है। वो यहाँ पर एक क्लोज रेंज फाइटर के साथ लड़ रहा था इसलिए उसे अपना डिस्टेंस बनाकर रखना था, लेकिन अब टोडो एक ही झटके में उन सभी को उड़ा देता है और पीछे जाकर फुशी गुरु को पकड़ लेता है। वो फुशी गुरु से कहता है कि तुम्हारा शरीर एकदम खोखला है, और फिर वो उसे फेंक देता है। उस फाइट के दौरान अब फुशी गुरु काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, और अब टोडो फुशी गुरु को उठाने के साथ ही उसे एक बिल्डिंग के आर पार कर देता है। टोडो फुशी गुरु को एक जोर का पंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर उसके फ्रॉक्स आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। टोडो उन सभी फ्रॉक्स को दूर कर देता है, और फुशी गुरु को सीरियस हो जाने को कहने लगता है, और इस बार भी फुशी गुरु सीरियसली लड़ने को तैयार था, लेकिन अचानक से वहाँ पर टोगी आ जाता है जो की उसे बचा लेता है, और पांडा टोडो को दूर कर देता है। टोडो इन लोगों को देखकर खुश हो जाता है, और पांडा कहने लगता है कि एक्सचेंज इवेंट तक वेट कर लो। ये सब के बाद जाते जाते टोडो अपना जैकेट ढूंढने लगता है, और यहाँ पर फुशी गुरु की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, और दूसरी तरफ माई ने भी यहाँ पर नोबारा की काफी बुरी हालत करके रख रखी थी। वो उसे डरा ही रही थी कि वहाँ पर अचानक से माकी आ जाती है। माई उसे देखकर पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और अब यहाँ पर दोनों ही बहनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है। माई माकी को एक नंबर का लूजर कहने लगती है, और वो बताती है कि तुम जिंदगी भर नीचे ही रहोगी। माकी अब नोमारा से पूछने लगती है कि क्या तुम खड़ी हो सकती हो, और अपना डंडा वो माई की तरफ घुमा लेती है, और अब अचानक से पीछे से नोमारा आकर उसे नीचे खींचने लगती है। नोमारा उसे नीचे गिराने के साथ ही कहने लगती है कि तुमने मेरी ड्रेस के अंदर काफी सारे होल्स कर दिए हैं, और अब मुझे तुम्हारी ड्रेस चाहिए। लेकिन माई यहाँ पर उसे काफी ज्यादा धमकाने लगती है, और तभी वहाँ पर टोडो आ जाता है। टोडो माई से कहने लगता है कि चलो हमें फटाफट जाना होगा। टोडो कहने लगता है कि यहाँ पर तुम काफी सारे मजे कर रही थी, लेकिन माई कहने लगती है कि यहाँ पर मजे सिर्फ अभी शुरू ही होने वाले थे। टोडो कहने लगता है कि उसे टोक्यो में कुछ ज्यादा ही काम है। उसे टकाटा के साथ 5 मिनट का हैंडशेक करने का मौका मिला है। टोडो काफी जल्दी में था क्योंकि उसे एक ट्रेन पकड़नी थी, और इस सब के बाद माई भी वहां से जाने लगती है, और बताती है कि अगली बार एक्सचेंज इवेंट में मैं तुम्हें देख लूंगी।
और माकी अब नोबारा को यहाँ पर शांत करने लगती है। वो बताती है कि हम उन्हें एक्सचेंज इवेंट के अंदर हरा देंगे। नोबारा माई से पूछने लगती कि क्या उसके पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं है। माकी कहने लगती कि वो सिर्फ कर्ज एनर्जी के टूल्स को ही यूज कर सकती है क्योंकि वो कर्ज एनर्जी को टूल्स के अंदर नहीं डाल सकती और ये वैसा ही टूल है जैसा कि गोजो ने इटाडोरी को दिया था। नोबारा उससे पूछती है कि आखिर तुम जुजुत्सु सॉर्सरस क्यों बनना चाहती हो और माकी कहने लगती है कि उसे अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है और वो नोबारा को अपने साथ जल्दी जल्दी आने को कहने लगती है क्योंकि इन्हें किसी से मिलना था। और अब यहाँ पर क्योटो स्कूल का प्रिंसिपल आ चुका था। वो कहने लगता है कि तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल याका कहाँ पर है। गोजो बंदर आने के साथ ही माफी मांगने लगता है क्योंकि वो बताता है कि याका सर यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका शेड्यूल बिगड़ गया है। गोजो वहाँ पर बैठने के साथ ही प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करने लगता है और प्रिंसिपल कहते हैं कि आखिर किस दिन के बारे में। गोजो कहता है कि मैं यहाँ पर इटाडोरी के मौत के दिन की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल गोजो से कहता है कि आखिर तुम ये कैसा सवाल कर रहे हो और गोजो कहने लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करता। वहाँ पर मौजूद लड़की अब गोजो को रोकने लगती है और बताती है कि मैं हायर ऑफिशियल्स को आपकी शिकायत कर दूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो गोजो से मिल रही थी। लेकिन गोजो उससे बाहर जाने को कहने लगता है और वो फिर से खुश हो जाती है क्योंकि गोजो ने उससे बात करी। गोजो कहने लगता है कि कल रात में दुश्मनों ने मुझ पर अटैक कर दिया था और हो सकता है कि उन लोगों के कई सारे साथी भी हो। गोजो कहने लगते है कि ये चीज चिंता की बात नहीं है और हमारे स्टूडेंट्स की ताकत भी इंक्रीज हो चुकी है। पिछली बार गेटो का इंसिडेंट होना और अब सकुना के वेसल का अपीयर होना। प्रिंसिपल कहने लगते कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। गोजो बताते कि एक दुश्मन की ताकत हमारी तरफ अटैक करने वाली है और गोजो कहने लगते कि हमें इस चीज का कुछ करना होगा क्योंकि तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इसका मुकाबला कर सकता हूँ। प्रिंसिपल कहने लगते कि तुम अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो। लेकिन अब गोजो वहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए बाहर जाने लगता है और बताता है कि प्रिंसिपल यागा 2 घंटे के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। प्रिंसिपल उस लड़की को चाय बनाने के लिए भेजता है लेकिन वो भागते हुए गोजो के पास जाने लगती है और दूसरी तरफ टोडो जहाँ पर जाना चाहता था वो वहाँ पर भी पहुँच जाता है। फिर हमें एक थिएटर दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और उनके मौत की वजह ये थी कि उनके दिमाग पर काफी सारा प्रेशर पड़ा था। एक इंसान वहाँ से जाने लगता है और दूसरा लड़का उसे रोक लेता है और वो इंसान उस लड़के से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि इटाडोरी भी किसी के साथ वहाँ पर आया हुआ था और वो दोनों ही उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। और अब इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को आखिर ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।